हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज टाटा स्टील ने सीएलसी की रिपोर्ट के बाद अच्छा खासा फॉल दिखाया आपको, तो मैं जस्ट केवल एक अपडेट लेके आया था कि टाटा स्टील में थोड़ा वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है और ये शायद और भी थोड़ा सा लो लेवल दिखा सकता है। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बोला था, ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है और इसको अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसका क्या है कि चाहे कमोडिटी में ज़्यादा ग्रोथ होगी लेकिन रेट कट रहेगा और डॉलर का चूंकि वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो सेल्स का ये ऑब्जर्वेशन है कि रेट प्राइस आपको कम मिलेगा, तो उसके कारण जो ईपीएस पे मतलब अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और उसके चलते इन्होंने चाहे जो भी एमिसिटी करके इसको 460 का टारगेट दे दिया सेल्स ने, और उसके कारण आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन 495 का एक क्रुशियल लेवल था, इसको उसको नहीं तोड़ना था, वो भी इसने आज तोड़ दिया और ये नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट टारगेट जो मोस्ट वैल्यू है इसका, इसको 474 पे ले लेना चाहिए सपोर्ट, और 474 पे नहीं लेता है तो 429 पे इसको सपोर्ट मिलता है फिर। और एक बहुत बार ये 450 से भी ऊपर लिया है, तो पहले 474 पे उस लेगा और फिर वहाँ से 450 के आसपास, और नहीं तो फिर 429 तक का भी लेवल आपको हो सकता है ये दिखा दे आगे टाइम में। तो आप सोच रहे होंगे ये इसमें क्या ये खराब हो गया, खत्म हो गया? नहीं, जो शेयर आपको 700-800 रुपये के भाव से मिलने वाला है आगे जा करके, तो डिलीवरी पोजीशन पे किसी का भी हो इसको बाय करना चाहिए, एक अच्छा शेयर है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या कारण, इसका एक बार परफॉर्मेंस ये देख लेते हैं। तो जैसे आपको मालूम है, टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है जो काम करती है माइनिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट, ये सब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और देखेंगे तो इसका 16% 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहीं पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके कारण ईपीएस जो इसकी 152 है, यहाँ से आपको थोड़ा आगे जाके कट, इसमें उनका कहना है कि ये कम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ईपीएस में भी थोड़ी कमी आएगी। अब देखेंगे प्राइस टू कैश फ्लो, तो सिर्फ 6 to 7 times ये मिल रहा है, ये एक अच्छा चीज़ है। और इसका डेप्ट होते बावजूद इस पर 3.38 times कवरेज है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.38 है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 12% के आसपास है। लेकिन एक सीएलसी का ये देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील डाउन 2 to 4% आफ्टर सीएलसी डाउनग्रेड कट टारगेट प्राइस। तो उसने क्या कहा है, ये कहा है कि जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील स्लिप 2 to 4% ऑन वेडनेसडे आफ्टर ब्रोकेज सीएलसी। अकॉर्डिंग टू सीएलसी द डिटरिंग चाइनीज डिमांड आउटलुक, चाइनीज का डिमांड शायद इसमें कम हो, गोइंग टू वेट ऑन कॉमोडिटी प्राइस, तो उससे जो कॉमोडिटी प्राइस में हाइप था वो उसमें थोड़ा आपको कमी आएगा, तो कमी आएगा प्राइस में कमी आएगी तो प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इट कट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 ईपीएस एस्टिमेटेड बाय 9 to 38% फैक्टरिंग इन लोअर कॉमोडिटी प्राइस एंड स्ट्रॉन्गर रुपी, स्ट्रॉन्गर रुपी और होगा और प्राइस जो होगी कॉमोडिटी की लो होगी, इसके कारण उसने ईपीएस भी फैक्टरिंग की है। वर्किंग हाउस हैज डाउनग्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील टू सेल फ्रॉम अंडर परफॉर्म, अंडर परफॉर्म के बाद सेल का भी दे दिया जेएसडब्ल्यू स्टील को, एंड ऑल्सो कट टारगेट प्राइस फ्रॉम 260 फ्रॉम 375। तो 375 से इसको जेएसडब्ल्यू स्टील को देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी अभी इन्होंने ला दिया है 260 के रेट में। जेएसडब्ल्यू का भी सेल्स ग्रोथ अच्छा है, आउटलुक अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो कंपनियां ये जेएसडब्ल्यू स्टील भी खराब नहीं है। लेकिन इन्होंने आउटलुक घटाया है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज तो दोनों की चूंकि प्राइस कट की है तो दोनों का दोनों लॉस में ही दिखाएगा, 288 15 रुपये के लॉस के साथ आपको दिखा रहा है, जहाँ पे ओपन प्रीवियस क्लोज 303 का था, 288 का इसका प्राइस 260 दिया उन्होंने, सीएलसी ने 260 दिया है, 375 फ्रॉम 375 टू 360 का दिया है। और टाटा स्टील का क्या किया, 460 का दिया फ्रॉम 855 पर लिया, उनका लिया प्राइस जो 855 था उसको घटा के 460 किया है। तो ये एक सीएलसी का रिपोर्ट था, प्राइवेट कंपनी जो है उन्होंने इसके सीएलएसए का रिपोर्ट था डाउनग्रेड किया है। इसके चलते आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू में भी 15 पॉइंट की गिरावट आई है 5% का, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 88 लाख 57 लाख ये ऐसा करके वॉल्यूम है जेएसडब्ल्यू में। टाटा स्टील में 1 करोड़ 17 लाख
47,000 का बहुत डबल वॉल्यूम है लगभग मान के चलिए। और एक चीज़ सबसे सरप्राइज चीज़ यही है कि जो इसने टुडे हाई 506 का बनाया और लो बनाया 492 का, लो में क्लोज दिया है, तो मैं वीकनेस अभी भी कंटिन्यू ही दिखता है, वीकनेस को ये कंटिन्यू करेगा। और जो वेटेड एवरेज प्राइस है उसके अनुसार तो 100% श्योर करता है कि ये नीचे ही जाएगा, इसमें और श्योरिटी आ गई है कि नीचे जाएगा। तो टाटा स्टील में कमजोरी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है, जब तक ये 505 का लेवल नहीं क्रॉस करता है तब तक एक अब ये क्रूशियल लेवल पे खड़ा हो चुका है। ठीक है, टाटा स्टील आज को देखें, अगर इसके तो आज का जो पैटर्न था आप देखेंगे, ये देखिए अच्छा खासा है इसने यहाँ पे आज 504 पे ओपन होके 506 का हाई लगाया और 493 की क्लोजिंग दी। अब वॉल्यूम के डबल वॉल्यूम के साथ लगभग तोड़ा है इसने, अब देखिए वॉल्यूम डबल के साथ तोड़ रहा है। और डेली बेसिस में देखेंगे तो इसने सारे वेटेड एवरेज को एक्सपोनेंशियल एवरेज को तोड़ते हुए नीचे निकला है, इसका जो 511 का था सब चीज़ तोड़ते हुए नीचे की ओर क्रॉस किया। और जैसे कि 50 डेज का मूविंग एवरेज ये 536 डेली बेसिस पे था, ये तो क्रॉस कर ही नहीं रहा था और ये करने को इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा था। तो अगर हम देखें अभी इसको और हम मंथली बेसिस पे भी देखेंगे तो देखेंगे पूरा बुलिश रेड है इसमें। मेरे अंदाज से नेक्स्ट आपको 472 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इसमें, 472 और 537 है जीटी, जिसका भी 21 दिन का डेमा है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो नेक्स्ट 474 जो कि इसका 50 डेज का डेमा है, इसके लिए शायद ये ट्राई करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट आपको अगर 427 के आसपास ये मिलता है तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए। और 200 डेमा इसका 341 है, अगर उस लेवल पे आए तो उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। ये 600-700 रुपये का स्क्रिप्ट है, ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है ऐसा समझ लीजिए। मेरे अंदाज से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में अगर किसी का कॉल होगा, क्योंकि 537 का ये रेसिस्टेंस है तो बहुत लोगों ने 510-520 के कॉल को तो बाय किए थे। अगर ये कल 500 के लेवल को जल्दी से अगर ये क्रॉस नहीं करता है 2-3 दिन में और नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो आपको वहां के पोजीशन से एग्जिट करने पड़ सकते हैं। और अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव में भी एक बार आपको दिखाऊं टाटा स्टील का क्या पोजीशन बना रहा है। तो टाटा स्टील लिमिटेड यहाँ पे भी 100% निगेटिव ही बना रहा होगा, मैंने पुट की और ही पोजीशन बढ़ा रहे होंगे लोग, सब बराबर है, सारे कॉल राइटिंग होने चालू हो गई है। और 510-520 का जो 16 रुपये का भाव था आज 9 रुपये से तोड़ा हुआ है, तो रेट तो आपका आधा हो चुका है। और पुट की ओर देखेंगे तो 13 रुपये का गेन देखिए, 33 रुपये के क्लोजिंग पे दिया है। एट दी मनी बात करें 492 रुपये पे क्लोजिंग है, तो एट द मनी की बात करें 490 रुपये की बात करें तो आपको जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 14.85 रुपये का है, 7 रुपये के गेन के साथ दे रहा है। और 500 रुपये पे आपको कॉल राइटिंग हो रहा है 516,000 का पुट की ओर, तो 500 रुपये पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। और इधर आगे कॉल में हर लेवल पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है, हर लेवल पे अब इसको तकलीफ होने वाली है। 500-510 मेरे अंदाज से 520 के कॉल को एग्जिट करना भी अच्छा डिसीजन होगा, मुझे नहीं दिखता है कि 520 के कॉल पे अभी आपको कोई फ़ायदा देखने को मिलेगा। आज 520 पे 978,000 का ओपन इंटरेस्ट के कॉल से राइट किया गया है, शॉर्ट किया गया है इसको, और हाईएस्ट 520 पे वॉल्यूम बढ़ गया 520, तो अभी 520 ही जाने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर कोई टर्न अराउंड सिचुएशन आता है तो मुझे नहीं मालूम, अदरवाइज 520 के कॉल से आपको 510 के कॉल्स कॉल साइड से एग्जिस्ट करना चाहिए आपको भी, और सारा पुट की और पोजीशन बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप अगर 490 का भी पुट खरीदते हैं तो आपको, चलिए अगर मैं इसी भाव की बात करूं जो कि 520 का 8 रुपये में आपको मिल रहा है, 8 रुपये में आपको 470 का इधर मिल रहा है, तो मेरे अंदाज से आप 400 जो नो रिस्क टेकर है, 480 पे भी देखिए आपको 2 लाख, 490 पे 9 लाख, 10 लाख का एडिशन हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का, 480 पे 5 लाख का, तो मेरे अंदाज से आपको 480 490 के कोट की और पोजीशन बनाने में ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट देखिए 500, बहुत दिन से टाटा स्टील में 500 पे खड़ा हो रहा था वो, और ये 500 का लेवल डेली बेसिस पे किसी को नहीं बिलीव था कि ये टूटेगा, बहुत लोगों का ये था, बट ये देखेंगे तो यहाँ डबल बॉटम बना था। इसके कारण भी एक ये था कि यहाँ डबल बॉटम बना के एक अप ले लेगा, तो इस कारण भी लग रहा था कि यहाँ पे डबल बॉटम अभी नहीं, एक अप लेके जाएगा, लेकिन अभी तो जो भी पैटर्न बना इस पे ऐसा दिख रहा है कि अगर कल टर्न अराउंड या परसों इस फ्राइडे के पहले तक अगर ये टर्न अराउंड ले लिया तब तो ठीक है, जो कि मुझे नहीं दिखता है कि लेगा। अगर मैं इसको किसी भी तरह देखूँ यार, मैं आपको झूठ का नहीं बोलूँगा, मुझे लग नहीं रहा यार ये उठेगा। आप लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, आप देखिए क्या बना रहा है ये। आप 2 तारीख यहाँ पे जब ये ओपन हुआ 503 पे, उसका लो था 502, उसके बाद बनाया ये 498, उसके बाद 494, उसके बाद 492, 492 और 492 50, यहाँ पे थोड़ा 50 पैसे की रिकवरी यहाँ पे दिखाया, लेकिन उतना अच्छा पोजीशन नहीं है। अगर मैं इसको 30 मिनट्स में भी देखूँ तो 30 मिनट्स में भी ये इंडिसिसिव कैंडल ही बना जिसके बाद ये टूटा है, तो टाटा स्टील में यार हो सकता है एक बार ये 472 और 425 आपको दिखा सकता है, तो कॉल साइड में मैं झूठ का इसमें कॉल साइड में खड़ा रहने के सजेशन नहीं दूंगा, बेटर है कि आप इससे पोजीशन से एग्जिट हो जाए, क्योंकि ना प्रिंसिपल को बचा के रखना भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हम केवल सिक्योरिटी पे खेलते जाएं और कोई टूटते जाए तो कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा है कि जब हमको डाउट है इस चीज़ पे तो हमको और इसमें लगा के कोई फायदा नहीं है बैठ के, और इसका लॉट साइज तो आपको बहुत ज़्यादा है नहीं, इसका लॉट साइज 1061 का लॉट साइज है, और आप देखेंगे 520 पे क्या बन रहा है, 37 लाख का सेल बन रहा है, 124% का ओपन इंटरेस्ट आज हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट के साथ हाई हो रहा है ये हो रहा है, तो आपको पोजीशन एग्जिट करना चाहिए मेरे अंदाज से टाटा स्टील पे। कॉल साइड में और पुट साइड में आप देखें तो पोजीशन बना सक सकते हैं, 490 का पुट ले सकते हैं, 490 का पुट आपको मिल रहा है, 490 का पुट आपको 14 रुपये 85 पैसे मिल रहा है, तो पोजिशन बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।